नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश चेलक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर भूतपूर्व विधायक के नेतृत्व में किसानों के रायपुर में ट्रैक्टर रैली के साथ छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में किसानों के साथ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर, भूतपूर्व विधायक ओम प्रकाश साहू, महामंत्री छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कुंवर सिंह साहू, लीलाधर ढाले सहित छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। देश के चारों तरफ आवाज उठ रहा है, आवाज उठ रहा है, इसलिए इस कानून को वापस लेना होगा। चाहे देश में जो भी हो जाए, कानून का हमको कोई बोल रहा था रायपुर में, अरे आप लोगों के जुलूस से ट्रैक्टर से कानून कायदा, अरे ये काम ये नीति को मान नहीं रहा, जनता की बात को नहीं मान रहा, तो वो कानून को उल्लंघन कारक नहीं कर रहा, वो कानून को अरे देश का इतना बड़ा जनता आवाज कर रहा है, सच्चाई को बता रहा है, उसके लिए बैठा है और उसकी बात को नरेंद्र मोदी की सरकार सुने, तो ये कानून का उल्लंघन नहीं किया। ये बता दे कानून वालों को, हमको ज्यादा कानून वानून अब सीखना नहीं है, हम लोगों ने सीख लिया और ये ऐसे कानून बता करके अब देश की जनता को इस काले कानून से पीछे हटा नहीं सकता। जब तक ये काला कानून देश से वापस नहीं होगा, हम एक साथ अडानी अडवाणी नरेंद्र मोदी क्या कासा सबको एक साथ पीट कर यहाँ से भागेंगे। यूवीएन 08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। रमेश शेलक की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार विकासखंड गुरूर में खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीकाकरण पूर्व टीकाकरण सत्र की आवश्यक तैयारी कोविड 19 के दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया। शुभारंभ के अवसर पर प्रथम टीका खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर G.R. रावटे द्वारा लगाकर शुभारंभ किया गया। ये एक अच्छा संदेश है। तत्पश्चात विभाग के अन्य कर्मचारी अधिकारी को लगाया गया। टीकाकरण सत्र का निरीक्षण जिला नोडल अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दीवान, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर S.K. सोनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक भूमिका वर्मा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूर ब्लॉक गुरू। सर, आज वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। जी, ये क्या है, कोरोना वायरस है ना, कोविड 19 के लिए यहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है। जो प्रथम चरण में जो हेल्थ केयर वर्कर है, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको यहाँ पे लगाया जा रहा है। और आज हमारा इस ब्लॉक में और हमारे विभाग में ये पहला डोज है आज का, जिसमें कि 100 लोगों को हमने कॉल किए हैं और उन 100 लोगों को इसका पहला डोज आज लगने का है। इसके बाद फिर 28 दिन बाद इन्हीं लोगों को फिर से अपन दूसरा डोज उनको दिया जाएगा। और एक कोरोना वायरस के लिए अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस टीका का लगाया जा रहा है ना, जिससे कि व्यक्ति का जो एंटीबॉडी है ना वो बढ़ता है, उसमें इम्यूनिटी आती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। वैक्सीन लगाने के लिए लोग किस प्रकार इच्छुक दिखे? हमारे यहाँ का तो है ना जो माहौल था है ना ठीक था और सभी लोगों का अच्छा मतलब इसका प्रतिसाद मिल रहा था। सभी लोग बिल्कुल इच्छुक थे और अपने से स्वस्फूर्त होकर के है ना इस अभियान में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। और मैं है ना बाकी जो लोग हैं, आम जनता हैं है ना, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं आश्वस्त दिलाना चाहूँगा कि इस जो वायरस से लड़ना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है ना। जब तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लग जाता तब तक हमको अपना सोशल डिस्टेंस है ना, मास्क, हाथ धोने का जो प्रक्रिया है उसको आपको जारी रखना है ना। लेकिन इसको आप बिल्कुल है ना लगाइए और ये हमारे मतलब कोरोना को का संक्रमण को रोकने के लिए एक है ना मील का पत्थर।